और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हितेश चंद्र अवस्थी यूपी के कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं हितेश चंद्र अवस्थी। हितेश चंद्र अवस्थी 1985 बैच के हैं। आईपीएस अफसर हितेश चंद्र अवस्थी ने R9 टीवी से खास बातचीत की है। बैच के आईपीएस अधिकारी हितेश चंद्र अवस्थी जी, उनसे बात करते हैं। सर, फिलहाल कार्यवाहक डीजी आपको बना दिया गया है, सर क्या चुनौतियां होंगी? कार्यवाहक का भी मेरे पास अभी कोई आदेश नहीं है, आपसे सुन रहा हूं और जब आएगा तो बताऊंगा। प्रबल दावेदार भी है सर आप डीजीपी पद के लिए? प्रबल दावेदार की बात नहीं है, बात यह है कि जो चीज़ एक्चुअल होती है उसी पर कमेंट करना ठीक रहता है, तो ये बहुत उचित नहीं होगा इस टाइम पे अभी। सर, अब काफ़ी चुनौतियां होंगी सर यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि जैसे एक डीजीपी कल आज रिटायर होना था, एक दिन पहले ही इतनी बड़ी चुनौतियों के सामने आ गई। सर क्या चुनौतियां हैं यूपी पुलिस के लिए, कि अगर सर आप डीजीपी बनते हैं तो क्या क्या सब चुनौतियां आपके लिए होंगी और क्या पुलिसिंग को सुधारने के लिए कदम उठाए जाएंगे? देखिए, पुलिसिंग को सुधारने का, पुलिसिंग बराबर सुधर रही है, इम्प्रूवमेंट बराबर हो रहा है, और पुलिस के चैलेंजेस हमेशा से टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं, क्राइम रिलेटेड हैं, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड हैं, और इसमें साइबर क्राइम जैसे आप ले लें, क्राइम अगेंस्ट वुमेन ले लें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी चुनौती हैं और इसी पे हमको हमेशा वर्क करना है और यही हमारी प्रायोरिटी रहती है। करीब एक दशक आप CBI में भी पोस्टेड रहे हैं, उसके बाद विजिलेंस में हैं, काफ़ी तजुर्बा है सर ऐसी चीज़ों में, जो जानकारी जाँच में आपको एक महारत हासिल है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश एक टारगेट है, कई पिछली घटनाएं देखा गया कि आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, उत्तर प्रदेश में आतंकी ज़्यादा एक सुटेबल मानते हैं अपनी जगह, उसके लिए सर क्या एक नई तरह के कोई तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा या नई तरह की कोई पॉलिसी बनाई जाएगी या किसी प्रकार का एक नया कोई कार्रवाई की जाएगी इस पर? मैं इस बारे में कमेंट अभी नहीं करूँगा, ये मैं देख करके ही क्या हो रहा है बातें। मैं विजिलेंस में हूँ और विजिलेंस से, मैं विजिलेंस के काम के बारे में तो बोल सकता हूँ, बाकी चीज़ों का जब तक समीक्षा नहीं कर लेता तब तक मैं इसको तो कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हमारे साथ हितेंद्र अवस्थी जी, साफ तौर पे कार्यवाहक तो डीजीपी बना दिया गया है लेकिन प्रबल दावेदार भी हैं डीजीपी पद के लिए, और उनके उन्होंने कहा कि हमारे सामने कई इतनी बड़ी चुनौतियाँ हैं, चाहे साइबर क्राइम को लेकर, चाहे ट्रैफिक को लेकर या पुलिसिंग को सुधारने को लेकर, तो काफ़ी चुनौतियाँ हैं, उससे निपटने के लिए पुलिसिंग तैयार है।